नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप छोटू राम चौक पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका। दरअसल पंजाब में भाजपा विधायक अरुण नारंग के साथ कार्यक्रम में किसानों ने मारपीट की थी। इसी पर पंजाब सरकार को निशाने पर लेते हुए भाजपा कार्यकर्ता छोटू राम चौक पर एकत्रित हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस पूरी घटना के लिए पंजाब सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना था कि ये तमाम घटना पंजाब सरकार की शह पर हुई है। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। पुतला फूंका गया है पंजाब के मुख्यमंत्री का, किस वजह से? क्या कैमरे की तरफ जी सामने। दो दिन पहले जो पंजाब में घटना हुई उस घटना के विरोध में आज पूरे हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की तरफ से प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर कुछ रोष प्रदर्शन है हमारा। कांग्रेस सरकार, जो पंजाब की कांग्रेस सरकार है, उसके प्रति, उसके मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रति, कि जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए हुए हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी सरकार की है। जनतंत्र में हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। बलोट से हमारे जो MLA है अरुण नारंग जी, उनके साथ जो दुर्व्यवहार पंजाब में हुआ उसके लिए हमारा एक प्रदर्शन था। आज पूरे हमारे हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक हेडक्वार्टर पर ये प्रदर्शन है, ताकि आगे से ये इस तरह की कार्रवाई आगे ना हो, सरकार होश में रहे, ये ना हो कि उनकी सरकार है तो वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए हमारे प्रदर्शन। ठीक है।